बड़ी मुश्किल से तो आई, आप आए तो बहार आई, लेकिन धूप चली गई। बोलो इतना पे बोलो, ए चाची बोल, ए चाची, ए चाची। ऐसे क्रेडिट लेने की आदत ना छोटे छोटे बच्चों को होती है, जो नादान होते हैं इस दुनिया में। तो हमारे मायके की साइड ना सगोड़े बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, लेकिन ससुराल की साइड देखिए भाई, इतना बड़ा सगोड़ा। टाबर आ टाबर, ये देखो जी छोटे छोटे बच्चे। याची ती चूड़ी है की चूड़ी का जी याच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग, आई होप अच्छे होंगे। तो अभी दिन के करीब 12 बज चुके हैं और आज के दिन की शुरुआत भी हो गई है। बाकी कल मैं अपने त्रियुगी नारायण वाले घर में आ गई थी, क्योंकि यहाँ मैंने खेतों में गोबर डाला तो वो काम निपटाना भी बहुत ज़रूरी था। बाकी दो तीन दिन तक मैं यहीं रहने वाली हूँ। बाकी अभी दीदी लगी है अपने काम पे और आज देखिए भाई मौसम बिल्कुल पैक पैक सा हो रखा है। सुबह तक तो अच्छी वाली धूप खिली हुई थी, लेकिन अभी फिर से मौसम ख़राब हो गया है। और यहाँ से देखिए सामने बर्फ से ढकी पूरी पहाड़ियाँ साफ साफ दिखाई देती है, पूरी पर्वत श्रृंखला दिखाई देती है। बाकी कुछ टाइम तक दीदी घर पर नहीं थी, तो यहाँ आंगन में देखिए भाई पूरी घास जम रखी है। तो सबसे पहले एक बार ना मैं इस घास को पूरा निकाल दूंगी जितना मेरे से हो सकता है। बाकी दीदी भी अंदर किचन में अपने काम पे लगी हुई है। तो यहाँ पे अभी दीदी भी आ गई है और दीदी यहाँ पे लेके आई लंगड़े। और यहाँ के लंगड़े देखे भाई बिल्कुल अलग से हैं, डार्क ग्रीन है इनका कलर। दीदी कहाँ से लाए ये? जंगल से। अच्छा सुबह सुबह दीदी जंगल भी चले गई लंगड़े के लिए। थैंक यू। तो हमारे इस वाले घर का जो आंगन है ना वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और अभी मैंने वहाँ से लेके यहाँ तक ये घास निकाल दी है। बाकी हाथों की हालत देखिए भाई बिल्कुल ऐसे हो गए हैं खराब से, और ये सब बैठ रखे कोई हेल्प नहीं कर रहा मेरी। ये देखो यहाँ पे ये भी बैठे हुए हैं, कोई ये नहीं बोल रहा कि कम से कम हम ये घास निकाल दें। हाँ। और दीदी भी यहाँ पे वीडियो बनाने पे लगी हुई है, अपने पॉली हाउस के हाल देख रही कैसे हो रहे केवल, क्योंकि वो काफी टाइम बाद घर आई ना, तो देखना तो बनता ही है भाई। हमारे इस वाले आंगन में ना बार बार ऐसे ही घास जमती है, जैसे कोई घर पे नहीं रहता है ना तो यहाँ पूरी घास उग जाती है भाई, क्या ही बताएं। तो अभी मैं इतना ये पूरा साफ कर लेती हूँ क्योंकि अब कम ही बचा हुआ है, फिर लंच करने का टाइम भी हो गया है। तो लंच करेंगे फिर देखते हैं आज के दिन पे हम और क्या क्या काम कर पाते हैं। अभी दीदी यहाँ पे आ गई है मेरी हेल्प करने के लिए, अब थोड़ा सा ही बचा हुआ है, अब दीदी कहीं क्रेडिट ना ले ले कि सारी घास मैंने निकाली आंगन से। ऐसे क्रेडिट लेने की आदत ना छोटे छोटे बच्चों को होती है, जो नादान होते हैं इस दुनिया में, है बड़ों को नहीं होती कोई क्रेडिट, उनको पता है उनको क्या करना है। अच्छा ठीक है ठीक है, कर कर। तो आंगन से सारी घास निकालने के बाद ना अब करते हैं गर्मा गर्म टेस्टी सा लंच। और आज लंच में है कुछ पहाड़ी स्पेशल, राजमा की दाल है, चावल है और हमारी सबकी फेवरेट ये लंगड़े की सब्जी। तो अब इन खूबसूरत पहाड़ों के बीच में गर्मा गर्म लंच का आनंद लेते हैं। अभी शाम के करीब 4 बज चुके हैं, बाकी लंच करने के बाद थोड़ी देर रेस्ट किया और अभी यहाँ पे मेरी आंगन साफ करने की बारी है। सुबह में हमने जो घास निकाली थी ना उसको हमने थोड़ा सा वैसे ही रखा सुखाने के लिए, क्योंकि उस पर काफ़ी सारी मिट्टी लगी हुई थी। तो अभी एक बार फटाफट झाड़ू लगा देते हैं। तो अभी मैंने यहाँ आंगन में अच्छी तरह से सफाई कर दी है। बाकी यहाँ आंगन के आगे हमारा जो सगवड़ा है ना वहाँ पे बगल वाली दीदी जी ने घास भी निकाल दी है और अभी उस घास को सोल्टी में भर रहे हैं। तो दीदी ने भी यहाँ से सारा घास निकाल दिया है और दीदी स्वल्टी लेके भी आ गई है, अब सारे घास को स्वल्टी में भर देंगे। बाकी यहाँ पे अभी मेरी जो चैनी दीदी है वो भी काम करने लग गई है भाई, बड़ी मुश्किल से। यहाँ पे जो लहसुन बो रखी है ना उसमें काफ़ी सारा खरपतवार हो रखा था, तो उसमें गुड़ाई कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, यह है अगला दिन और अभी शाम के करीब 4 बज चुके हैं। बाकी अभी मेरी तैयारी हो गई है ऊपर अपने खेत में जाने की, वहाँ पे ना आज हमको उस खेत में हल लगानी है। तो अभी मुझे वहाँ पे जाना है गोबर को इधर उधर फैलाने के लिए। तो चलते हैं जल्दी जल्दी, शायद वहाँ पे दीदी भी आ गई हैं। तो सामने पे दीदी देखिए भाई हमसे पहले पहुँच चुकी है खेत में
और आधे खेत में तो गोबर भी फैला दिया है यहाँ पे दीदी ने। तो हमारे मायके की साइड ना सगोड़े बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, लेकिन ससुराल की साइड देखिए भाई इतना बड़ा सगोड़ा, पूरा वहां से लेके पूरा यहाँ तक। और अभी दीदी ने ना साइड साइड से ये गोबर भी फैला दिया है। दीदी गोबर कम तो नहीं पड़ रहा, पूरा हो गया तब तो ठीक छोड़। और अभी देखिए भाई मौसम बिल्कुल सियाला सियाला हो रखा है, धूप के आगे से तो बादल आ रखे हैं, ऐसे में काम करने के लिए भी सही हो जाता है। और यहाँ पे देखिए दो शंटुली भी आ रखी हैं, इनको हमारी भाषा में बोलते हैं शंटुली। तो अभी यहाँ पे दीवी आ गई है खेत में, बाकी यहाँ पे आधे से ज़्यादा हल लग चुकी है। और जहाँ पे हल नहीं लगी हुई है ना वहाँ पे हम कुदाल से ऐसे मिट्टी को खोद लेंगे। आ जा ऊपर आ जा, बड़ी मुश्किल से तो आई, आप आए तो बाहर आई, लेकिन धूप चली गई। तो अभी दीदी और दूसरी दीदी लगे हैं साइड साइड में कुदाल से खोदने पे, बाकी बाली लगा है हल लगाने पे। और अभी ना हल्की हल्की बूंदाबांदी भी होने लग गई है। केदार घाटी की साइड से देखिए भाई मौसम बिल्कुल ख़राब हो रखा है, बाकी अभी ना मेरी बस की तो वो काम करना है नहीं, तो यहाँ खेत में ना काफ़ी सारे पत्थर पड़े हुए हैं तो मैं इन्हीं को उठा दूँगी। चलिए जी अभी दी और मैं आ गए हैं घर पे, बाकी यहाँ पे एक कंडी रखी हुई है जिसमें कि बहुत सारे आलू हैं, ये देखिए बारीक बारीक आलू। तो कल ना यही आलू हमको खेतों में लगाने हैं काट के। दीदी बोल रही कि आलू पूरे नहीं होंगे कि हो जाएंगे बारीक हैं, वैसे है? बीज अच्छा है वो बारीक बारीक है, मतलब बीज बारीक है ना है? लेकिन होंगे आलू अच्छे। अच्छा ठीक है, सोने के आलू होंगे बिल्कुल। तो अभी दीदी लगी है पॉली हाउस के अंदर गुड़ाई करने पे, बाकी सभी ना पॉली हाउस के अंदर जा रखे हैं। और यहाँ पे हमारे आंगन में ना छोटे छोटे बच्चे आ रखे हैं, और इसने हमको बोलना है चाची। ए चाची बोल, बस ए चाची बोल, ए चाची तब बोल, ए चाची बोल, ए चाची, ए चाची, ए चाची। यो की मे चूड़ी हो ये ते काकच, ते चूड़ी काकच, कपच कपच, ये बु यच ते चूड़ी है कि चूड़ी काकच यच। अच्छा बड़े के की चूड़ी जी तेरी की मेरी मेरी। अच्छा तो यहाँ पे बाली ने बाहर पे आग जला दी है, और इस छोटी सी बच्ची पे देखिए आग सेक रही है। आग था अपनी, तू आग था अपनी, आग था अपनी, ओ ताप वा ताप बस। ये देखो जी ठंडा हो गया बस छोटी बच्ची को, ये देखो ताप बस आग ताप बस, ये देखो जी छोटे छोटे बच्चे।